सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आने वाले कुछ महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों स्टॉक का नाम है एयू बैंक। तो चलिए दोस्तों स्टॉक का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये स्टॉक के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने इस स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है। अगर आप इसी स्टॉक का पूरा ओवरऑल चार्ट को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक 541 के आसपास लिस्टेड हुआ था और इसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ गया, फिर वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आके ये 496 के आसपास इसका लो बनाया, जो इसी स्टॉक के लिए आज तक का लो है। तो दोस्तों इसके बाद इसी लेवल से ये ऊपर की तरफ जाने लगा था और यहाँ पे देखिए 2-3 महीना से ये स्टॉक नीचे की तरफ आने के बाद ये जब डबल बॉटम का लेवल आया, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका डबल बॉटम का लेवल कौन सा लेवल पे आ रहा है। देखिए दोस्तों इसका जो डबल बॉटम का लेवल आया, ये डबल बॉटम का लेवल को आने के बाद अभी 10-15 दिनों से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों ये स्टॉक 4-5 दिन से एक साइडवाइज मूवमेंट दे रहा था और देखिए आज के ये जो कैंडल बना रहा है ये इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी ऐड करके देखेंगे, ये अच्छे वॉल्यूम के साथ इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने की सिग्नल दे रहा है। दोस्तों इसी स्टॉक का अप ट्रेंड कन्फर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये स्टॉक 2-3 महीना से इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी 7-8 दिनों से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो ये हमको सिग्नल दे रहा है कि इसी स्टॉक का अप ट्रेंड शुरू हो गया है। और एक कन्फर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक इसी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अभी ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो वो और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल देता है। इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक का ऊपर जाने की चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5-6 महीना का नज़रिया लेके ये स्टॉक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसी स्टॉक पे बाय करना चाहते हैं तो आपको ये 605 का लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि ये 605 का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा है। अगर आप 605 का लेवल पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 550 का लेवल के आसपास ये लेवल पे, और आपका जो टारगेट रहेगा आप ये 750 का लेवल को टारगेट लेके आप बाय करके होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा है। दोस्तों ये था एयू बैंक के बारे में मेरा टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों इसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए और आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब के साथ आप इसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लीजिए। दोस्तों अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।